नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है और यहाँ एसएससी बैंक रेलवे और डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। तो इसकी तरफ से मैं आपको एसएससी बैंक रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो पहले 2 क्लासेस में हमने थ्योरी की चर्चा की, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया और आज आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो भी क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के रख देगा एग्जाम में और आपको केवल सॉल्व करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये क्या कह रहा है, कितने समय में 2000 रुपया 10% वार्षिक दर से 2662 रुपया हो जाएगा। यानी अगर आपने 2000 इन्वेस्ट किया है तो कितने टाइम के बाद 10% के हिसाब से 2662 हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जब सीआई में रेट या टाइम फाइंड करना हो, रेट या टाइम निकालना हो, जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल दीजिए। तो आपने लगाया था कितना, 2000, और हो कितना गया 2662। पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 1331। देख के ही पता चल रहा है 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, तो क्यूब देखते ही पता चल गया कि एन का वैल्यू कितना वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष। तो हमेशा याद रखिए, जब भी सीआई में रेट या टाइम फाइंड करना हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट निकालना रहे चाहे टाइम निकालना रहे, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालते हैं। अमाउंट कितना है 2662, प्रिंसिपल कितना है 2000, काटेंगे सर 1331 और 1000। ये 11 का क्यूब है, 10 का क्यूब है, तो क्यूबिक देख के ही पता चल गया कि टाइम पीरियड जो होगा वो 3 साल होगा। तो जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ए और पी का रेशियो निकालते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपने 4000 रुपया लगाया, कितने समय बाद 10% की दर से 1324 रुपया का सीआई देगा। यानी 4000 रुपया आपका प्रिंसिपल है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1324। तो अमाउंट की बात करेंगे, अमाउंट बराबर होता है पी प्लस सीआई, यानी जितना कर्ज लिया वो और जितना बढ़ाकर दिया वो, दोनों देखिए हिसाब किताब क्लियर, तो टोटल जो हो जाएगा 5324। आपको हम एक बात बताएं, क्या बताएं कि जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल दीजिए। अमाउंट है 5324 और प्रिंसिपल कितना है 4000। अमाउंट है 5324, प्रिंसिपल है 4000, काटेंगे सर तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। देख के ही पता चल रहा है ये 11 का क्या है, क्यूब है, और ये 10 का क्या है, क्यूब है। तो क्यूब देखते ही चल हम लोग कर सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होगा वो 3 वर्ष। जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालेंगे, तो 5324 4000, काटेंगे सर तो 1331 और 1000, यानी 11 का क्यूब और 10 का क्यूब, तो क्यूबिक आ रहा है, तो टाइम पीरियड कितना साल, 3 साल। तो जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या कर दो, रेशियो निकाल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कोई धन 2 साल में 4410 और 3 साल में 5292 हो जाता है, 2 वर्ष का मिश्रधन। मिश्रधन यानी क्या, अमाउंट कितना है 4410, 3 वर्ष का मिश्रधन। देखिए ध्यान दीजिए, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आपने हमको पैसा दिया, हमसे 2 साल बाद लोगे तो हम देंगे 4410। आपने हमको पैसा दिया, हमसे 2 साल बाद देना, हम देंगे थे 4410। वही पैसा हमसे 3 साल बाद लोगे तो हम देंगे 5292। क्यों सर, आपका पैसा हम 1 साल ज़्यादा यूज किए तो उस 1 साल के एवज में हम आपको इंटरेस्ट देंगे। आपने हमको पैसा दिया, हमसे 2 साल बाद देना तो हम देंगे 4410, वही पैसा हमसे 3 साल बाद लोगे तो 5292। क्यों, क्योंकि आपका पैसा हम 1 साल ज़्यादा यूज किए तो उस 1 साल का हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट। तो 1 साल का ब्याज की बात करें, 1 साल का ब्याज की बात करें कितना रुपया, 882 रुपया। ध्यान दीजिए, 1 साल का ब्याज की बात करें 882 रुपया। आपने हमको पैसा दिया, 2 साल बाद देंगे 4410, 3 साल बाद दीजिएगा 5292। यानी आपका पैसा हम 1 साल ज़्यादा यूज किए उसके एवज में 882 रुपये का क्या दे रहे हैं, ब्याज। तो चलिए ब्याज दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, 1 साल का ब्याज परसेंटेज में,
रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या, एक साल का ब्याज परसेंटेज में, तो 882 रुपये का ब्याज मिला, किस पे मिला, 4410 पे गुना 100 काटेंगे सर जी तो 00 खत्म, इससे क्या बार में घटेगा, दो बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 20% वार्षिक। क्लियर? आपने हमको पैसा दिया, हमसे दो साल बाद लोगे 4410, वही पैसा तीन साल बाद लोगे 5292, यानी 882 रुपये का हम एक्स्ट्रा ब्याज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपका एक साल पैसा हमने ज़्यादा यूज किया, एक साल ज़्यादा टाइम के लिए, तो उस एक साल के बाद में हमने ब्याज दिया 882 रुपये। 882 रुपये किस पे दिया, 4410 पे। क्यों? क्योंकि पहले का अमाउंट दूसरे के लिए प्रिंसिपल, दूसरे का अमाउंट तीसरे के लिए प्रिंसिपल होता है, तो ये हो गया 20%। और ऐसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, एक साल का ब्याज व्हाट परसेंटेज में, एक साल का ब्याज परसेंटेज में। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धन दो वर्ष में 5000 और चार वर्ष में दो वर्ष में 5000 रुपया, किस दर से कोई धन दो वर्ष में 5000 और चार वर्ष में इतना हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, गड़बड़ क्या हो गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से दो वर्ष में 5000 रुपया, अच्छा ये है नहीं, किस दर से 5000 रुपये दो साल में 5618 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए गड़बड़ नहीं है सर, यहाँ समझने का प्रयास करना है। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालिए, तो 5618 और ये 5000 कितने साल में हुआ सर, दो साल में। आपको हमने एक बात कहा था कि जब भी सीआई में रेट या टाइम निकाल रहा हूँ तो अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या निकालते हैं, रेशियो। तो आपने लगाया था 5000, हो गया 5618 कितने साल में, दो साल में। तो यहाँ काटेंगे सर, तो दो से काटेंगे तो ये 2500 आ जाएगा, और ये दो से काटेंगे तो 2809 आ जाएगा, तो ये दो साल का हो गया। अगर एक साल की बात करें तो रूट हो जाएगा, एक साल की बात करें तो रूट हो जाएगा, तो 2809 किसका वर्गमूल है, 53 का, और ये किसका है, 50 का। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एक साल का ब्याज परसेंटेज में, एक साल का ब्याज परसेंटेज में। आपने 50 लगाया और 53 हो गया तो ब्याज कितना मिला, 3, किस पे मिला, 50 पे गुना 100। तो साफ साफ कह देते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, 6%। क्लियर? 5000 5000 6000 हो गया, दो साल में काट के 6 रेशियो में कन्वर्ट किया, 2800 और 2500, यानी 50 लगा दो साल में ना, तो एक साल में रूट हो गया, 50 लगाए थे 53 हो गया, ब्याज कितना मिला, 3 रुपये, किस पे, 50 पे गुना 100, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 6%। अगर आप दूसरा तरीका अपना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, 5000 लगाए थे बाबू और अमाउंट कितना हो गया, 5618, तो ब्याज कितना मिला बताओ, 618 रुपये, ब्याज कितना मिला, 618 रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग देते हैं, तो 100% 5000, तो 1% क्या होगा, 50, 50 से जैसे ही हम भाग देंगे तो यहाँ काटेंगे सर तो 12.36% आ जाएगा। ये कितने साल में आया, दो साल में। तो 2r r² आपको याद होगा, 2r और r² तो 2 × 6 और 6 का 2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट हो जाएगा, 6%। क्लियर? 5000 लगाए, 5000 618 होगा, 618 का ब्याज मिला, रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग दे दिए, हम देख रहे हैं कि 12.36 आ रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है 2r r², तो 6 × 12 = 36, यानी 6% ईयरली। और नहीं तो रेडीमेड फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फार्मूला तो है ही आपके पास, क्या, r = a/p^(1/n-1)/100। क्लियर? तो देखिए 5618 और ये कितना, 5000 (1/2) - 1 × 100। काटेंगे सर जी तो ये आएगा 2500 और ये हो जाएगा 2809, ये हो गया 53 का और ये हो गया 50 का, -1 × 100, तो काट देंगे सर जी तो आ जाएगा 3/50 × 100, तो 3 × 2 कितना परसेंट आ गया, 6%। क्लियर? तो बहुत सारा मेथड है, ये तो फॉर्मूला से बनाइए, चाहे जैसे बता रहे हैं वैसे बनाइए, बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए एक और तरीका भी हम लोग अपना सकते हैं। 5000 लगाए थे और 618 रुपया यहां आ गया, तो 300 और 300 और 18 आ गया, तो 300 का कितना परसेंट आ रहा है, 300 का
आर परसेंट बराबर कितना है 18, तो 300 का आर बटा 100 बराबर 18 काटेंगे सर जी, तो 3 × 6 = 18, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 6%। तो एक मेथड नहीं है, मेथड बहुत सारा है, आपको जो अच्छा लगे उसको अपनाइए और रिजल्ट हमको दीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, किस वार्षिक दर से 3000 रुपया 3 वर्ष में इतना हो जाएगा। चलिए तो जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल दीजिए। जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या निकालिए, रेशियो। ये क्या साल में आया, 3 साल में। काटेंगे सर जी तो ये 1000 और ये आ जाएगा 1331। अगर 1 साल की बात करें तो क्यूब रूट हो जाएगा, ग्यारह और 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 10 लगाए थे छोटू, 11 हो गया, 1 रुपये का ब्याज मिला किस पे, 10 पे गुना 100। 10 लगाए थे 11 हो गया, 1 रुपये का ब्याज मिला किस पे, 10 पे गुना 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 10%। देखिए जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो अमाउंट प्रिंसिपल का रेशियो निकाले, काटेंगे तो 1331, ये 11 तीन साल का ना है तो 1 साल का करेंगे तो क्यूब रूट होगा, 10 लगाए थे 11 हो गया, 10 लगाए थे 11 हो गया, ब्याज कितना मिला 1 का किस पे, 10 पे गुना 100, ब्याज कितना। जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ए और पी का रेशियो निकाल दिए, कितने साल पे, 3 साल पे, 1 साल पे क्या हो जाएगा क्यूब रूट, तो 10 से 11 हो गया, ब्याज कितना मिला 1 किस पे, 10 पे गुना 100, क्लियर। चलिए तो जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या निकालेंगे, रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन 2 वर्ष में इतना गुना हो जाता है ब्याज की दर निकाले, तो चलिए सेम प्रोसेस, जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल दिए, 1 रुपया लगाए थे और 2.25 हो गया, कितने साल में सर, 2 साल में, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, 100, 5 के पहाड़ा से काटेंगे, काटने का तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, यहां देखो 2.25, 1 रुपया लगाए थे इतना गुना हो गया कै साल में, 2 साल में, तो पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, 100। अच्छा ये 1 साल का अगर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, चलो बाबू 10 और ये 15, तो चलिए 10 लगाए थे 15 हो गया, 10 लगाए थे 15 हो गया, कितने का ब्याज मिला, 5 का किस पे, 10 पे गुना 100, काटेंगे सर जी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 50% सालाना। तो क्योंकि सीआई में रेट क्या होता है, 1 साल का ब्याज परसेंटेज में, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या, 1 साल का ब्याज परसेंटेज में, क्लियर। 1 रुपया लगाए थे 2.25 हो गया, 1 लगाए थे 2.25 हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो 00 जा लेंगे, इधर गया 2 साल का, 1 साल का करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो 10 लगाए थे 15 हो गया, 10 लगाए थे 15 हो गया, ब्याज कितना मिला, 5 किस पे, 10 पे गुना 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 50%, क्लियर। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से करके हम लोग आराम से आंसर दे सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर कोई धन 2 वर्ष में इतना 4 वर्ष में इतना हो जाता है, सेम चीज है, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या निकाल दीजिए, रेशियो। 5000 लगाए थे बाबू 2 साल में, और 2 साल बाद 5000 रुपया कितना बन गया, 8450। तो 2 साल से 4 साल ईयर गैपिंग की बात करें, ईयर गैपिंग की बात करें तो कितना साल है, 2 वर्ष। देखिए आपने हमको पैसा दिया, हमसे 2 साल बाद ले लेना 5000 देंगे, वही पैसा हमसे 4 साल बाद लोगे तो 8450 देंगे, यानी आपका पैसा हम 2 साल ज्यादा यूज किए, तो 2 साल के एवज में हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट। कहने का मतलब 2 साल में जो धन 5000 था वो 4 साल में इतना बन गया, 2 साल में जो 5000 था वो 4 साल में इतना बन गया, यानी 2 साल में ना पैसा बढ़ा, तो 5000 से 8450 हुआ, यानी पैसा जो बढ़ा वो कितने साल में बढ़ा, 2 साल में, तो 5000 से इतना हो गया, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट हो गया क्या साल में, 2 साल। क्यों सर, क्योंकि 2 से 4, 2 साल में 5000 था और 4 साल में इतना हो गया, तो 2 साल में पैसा बढ़ा, तो 1 साल का ब्याज बताओ, 1 साल का निकालने के लिए रूट निकालना पड़ेगा, पहले 5 से काटो तो 100 और ये काटेंगे 169, 1 साल का करेंगे तो रूट में आ जाएगा, यानी 13 और 10। बोल भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, 1 साल का ब्याज परसेंटेज में, 1 साल का ब्याज परसेंटेज में, अरे चलो 10 लगाए थे 13 हो गया, ब्याज कितना मिला 3 किस पे, 10 पे गुना 100, काटेंगे सर जी 10 लगाए थे 13 हो गया, ब्याज 3 किस पे, 10 पे गुना 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 30% वार्षिक। बात सुन,
कि जब भी सीआई में रेटियर टाइम निकालना हो तो अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या कर देंगे रेशियो, 2 साल में 5,000 हो गया, 4 साल में इतना हो गया, यानी पैसा जो बढ़ा 5,000 से 8,000 से 4,650 यानी 3,450 जो बढ़ा वो कै साल में बढ़ा, 2 साल में। तो 1 साल का निकाल दिया रूट करके, तो 10 लगाए थे 13 हो गया, ब्याज कितना मिला 3 किस पे 10 पे गुना 100। तो जब भी सीआई में रेटियर टाइम निकालना हो तो अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे। चलो कोई धन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में कोई धन 4 वर्ष में इतना हो जाता है और 8 वर्ष में इतना हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी प्रिंसिपल निकालना कह रहे तो कम वाले को 2 बार गुना, कम वाले को 2 बार गुना और ज्यादा वाले से भाग। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आ जाए, जैसे आपने पैसा दिया 2-4 साल बाद लीजिएगा तो इतना हो जाएगा, 8 साल बाद लीजिएगा तो इतना हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए और डायरेक्ट पूछे प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो कम वाले को 2 बार गुना ज्यादा वाले से भाग, कम वाले को 2 बार गुना ज्यादा वाले से भाग। बोलिए 2 जीरो से 2 जीरो तो साफ, 2 जीरो से 2 जीरो साफ, तो 7-7 49 पे क्या हो गया 00, यही हो गया प्रिंसिपल। बस समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आ जाए, आपने पैसा दिया था 2 साल बाद इतना हो गया, 4 साल बाद इतना हो गया, तो कोई धन डबल हो गया ना, 7,000 से 10,000 हो गया तो 2 साल में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और प्रिंसिपल निकालने की बात आए तो कम वाले को 2 बार गुना ज्यादा वाले से भाग, कम वाले को 2 बार गुना ज्यादा वाले से भाग। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सर क्या कह रहा है। 2 वर्ष में 4,4500 और 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो सेम क्वेश्चन है, तो कम वाले को 2 बार गुना, कम वाले को 2 बार गुना और ज्यादा वाले से भाग देंगे तो आपका काम हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी प्रिंसिपल कहे तो कम वाले को 2 बार गुना और ज्यादा वाले से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, फटाक से निकाल लोगे। चलिए 00 उड़ाइए, इसको बनाइए तो जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, कम वाले को 2 बार गुना ज्यादा वाले से भाग, फटाक से आंसर आएगा, कैलकुलेशन करके देखिए इसका। कम वाले को 2 बार गुना ज्यादा वाले से भाग, प्रिंसिपल निकल जाएगा फटाक से, बहुत आसान है। कोई धन 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो कम वाले को 2 बार गुना कीजिए और ज्यादा वाले से भाग दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। फटाक से बताओ कितना आया, 00 उड़ा दो, 00 उड़ा, फटाक से आंसर आएगा, हमको लगता है कि 3,000 के आसपास आंसर आ जाएगा। क्लियर, बाकी कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं, प्रिंसिपल निकालने हो तो कम वाले को 2 बार गुना ज्यादा वाले से भाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो 20,000 जनसंख्या है, प्रतिवर्ष 10% घट रही है, 3 साल बाद क्या पूछ रहा है, अभी का जनसंख्या पूछ रहा है, 3 साल बाद का पूछ रहा है, अभी का दिया हुआ है, 3 साल बाद पूछ रहा है, आगे का फ्यूचर का, सीधा कि उल्टा सीधा। तो सबसे पहले 20,000 लिखेंगे और हर साल 10% घट रहा है तो 90/100, फिर 90/100 और फिर 90/100, क्योंकि 3 साल है ना, और आगे की तरफ पूछे तो सीधा गुना, तो 2020 साफ, 2020 साफ, ये 2020 साफ, 9×81=729 गुना 20 कर लीजिए तो 2×9=18, 2×2=4=5, 2×7=14, 1458 इतना। क्लियर, तो जब भी सीआई में अगर आगे क्या बात बोले, अभी का दिया हुआ आगे का पूछ रहे तो सीधा गुना, 20,000 10% घटा, और यही 10% बढ़ता तो 110/100, 110/100, 110/100। तो इतना जो है क्वेश्चन हम लोग कितना आसानी से इसको बना पा रहे, कहीं कुछ नहीं है। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना बहुत आसान टॉपिक है, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, जो 2 क्लास थ्योरी बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो है 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए, 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज भी आगे भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बस आपको लगे रहने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना, और कंटिन्यू बने रहिएगा तो स्वाभाविक है रिजल्ट 100% होगा। और ये सारा चीज़ जो प्रोवाइड किया जा रहा है ना, ये सारा चीज़ सब करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टाइप की परेशानी हो, अगर क्वेश्चन नहीं बनता हो तो आप आइए आगे हमसे मिलिए, और डाउट्स जो भी हो और आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। चलिए मिलते हैं, करतार कोचिंग सेंटर बहुत बहुत धन्यवाद करता है आपका, और मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कितना देर तक कंटिन्यू बने रहे और आगे भी बने रहेंगे। इसी तरह से 1-2 क्लास और लेंगे, इसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनने लगेगा, है ना। तो बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और रिजल्ट 100% आपके पास हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।